अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कीमा पुलाव। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैंने दो प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, तकरीबन दरमियाने से थोड़े छोटे। प्याज ब्राउन करूँगी, प्याज ब्राउन कर लिया, ये निकाल रही हूँ प्याज। और प्याज निकाल के पीस के दही में शामिल करूँगी या हाथ से इसको बारीक कर लूँगी। तो कीमा डाल दिया और ये लहसुन पिसा हुआ नहीं रखा था तो मैंने ये साबुत डाला लहसुन, तो ये साथ ही इसके बारीक हो जाएगा। जितनी देर में कीमा गलेगा उतनी देर में लहसुन भी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। कीमा को घी में फ्राई कर रही हूँ, ऑयल या घी जो भी आपका दिल चाहे, ऑयल डाला है मैंने। प्याज मैंने इस तरह हाथ से इसको ऐसी बारीक करके और दही में मिक्स कर लिया, दही शामिल कर दिया। एक चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच दरा मिर्च कुटी हुई चिली फ्लेक्स, और ये ब्लैक पेपर घर की कुटी हुई आधा चम्मच, और ये थोड़ा सा कप पानी डाल दिया जब तक कीमा गलेगा। ये कैमल का कीमा है, वो कैमल का ज़रा देर से गलेगा प्रेशर कुकर के बगैर पका रही हूँ। तकरीबन ये 20 मिनट पकेगा, तकरीबन गल जाएगा 20 मिनट तक। थोड़ा सख्त है, इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। अब इसमें यखनी डाल दूँगी, ये मैंने कल यखनी बनाई थी, गर्दन की हड्डियों की, घुट की हड्डियों की यखनी बनाई थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। पुलाव बना रही हूँ इसलिए पुलाव यखनी से बनता है। चावल डाल रही हूँ, चावल दम पे रख दिए। चावल तैयार हो गए, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा पूरे घर में खुशबू महकी। पुलाव की तो खुशबू ही बहुत ज़्यादा आती है। ये प्लेट में प्याली में निकाल के इसको ऐसे गार्निश कर दिया, ये डोंगे में निकाल लिए ताकि ठंडे ना हो, डिश में ज़रा फैल।